हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम पूजा. आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7th of July के करेंट अफेयर्स. वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. इसके अलावा सीए रफ्तार, जैसा कि मैंने बताया था आपको, सीए रफ्तार लॉन्च की जा चुकी है. ये आपको परचम के एप्लीकेशन पे और हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी. इसमें आपको जनवरी से लेकर जून मंथ, मतलब 6 मंथ के जो इम्पॉर्टेंट आपके हेडिंग्स हैं, हेडलाइंस हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी. मंथ वाइज हेडलाइंस आप लोगों के लिए हैं. मंथ वाइज होने के साथ साथ ये आपका अलग अलग पार्ट्स में सेग्रीगेटेड भी है, तो आप इसे यहाँ से परचेस कर सकते हो और एक बार इसे व्यू कर सकते हैं. ओके है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो परचम का टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल हो जाएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के बारे में, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे, स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, डिफेंस की न्यूज़ और बैंकिंग की न्यूज़ को हम यहाँ पे समझेंगे. तो फर्स्ट नंबर पे है जिमेक्स 23. जिमेक्स नाम से समझ में आ रहा है कि इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसका नाम है जिमेक्स 23. इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2012 में हुई थी. ठीक है, इस एक्सरसाइज की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में हुई थी और इस साल ये 7वां नंबर का एडिशन है. ठीक है, 7वां एडिशन है इंडिया और जापान के बीच में, 7th एडिशन ऑफ द बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिमेक्स. ये एक्सरसाइज विशाखापत्तनम में हो रही है. 5th से लेकर 10th of July के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होनी है. 7th एडिशन है. 2012 में इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी. अब कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात INS दिल्ली. INS दिल्ली जो है वो इंडिया की पहली इंडिजीनियस बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है. INS दिल्ली क्या है? पूरी तरीके से भारत में निर्मित, भारत की पहली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS दिल्ली. वो जिमेक्स में पार्टिसिपेट कर रही है. INS कैमरोता, ये एक इंडिजीनियसली डिजाइन एंड बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्बेट है. और फ्लीट टैंकर INS शक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है. तो INS दिल्ली के बारे में आपको याद रखनी है. तो क्या क्या बातें होंगे कि 7th एडिशन हो रहा है जिमेक्स एक्सरसाइज का, इंडिया और जापान के बीच में होने वाली मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये इसका 7th एडिशन है. 2012 से इस एक्सरसाइज की शुरुआत की गई थी और विशाखापट्टनम एक्सरसाइज हो रही है. 5th से लेकर 10th of July के बीच में एक्सरसाइज रन होने वाली है. अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में, बुक्स के बारे में. तो यहाँ पर आप एक बुक देख रहे हैं जिसका नाम है दूधिया इन योर बर्निंग लैंड. ये बुक बेसिकली मराठी लैंग्वेज में है और इस बुक को लिखा है विश्वास पाटिल ने और इस मराठी बुक को ट्रांसलेट किया है नदीम खान ने इंग्लिश में. नदीम खान ने इस बुक को ट्रांसलेट किसमें किया है? इंग्लिश भाषा में इसको ट्रांसलेट किया है. तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बेस्ट सेलिंग मराठी नॉवल दूधिया आउट. तो ये जो मराठी नॉवल है जिसका नाम है दूधिया, जो कि एक आदिवासी महिला की कहानी है, दूधिया इन योर बर्निंग लैंड, इसका इंग्लिश वर्जन बेसिकली अभी लॉन्च किया गया है. मराठी भाषा में विश्वास पाटिल ने लिखा है और इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको नदीम खान ने लिखा है. नियोगी बुक्स के द्वारा इसे पब्लिश किया जा रहा है. अगले पर्सन है आधव अर्जुना. आधव अर्जुना, इन्हें BFI मतलब बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया है. तो आधव अर्जुना इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के प्रेसिडेंट बन गए हैं. रिसेंटली नेहरू स्टेडियम में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीता है. इसके पहले ये तमिलनाडु का जो बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट थे, तमिलनाडु के बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे. लेकिन अभी जो नेहरू स्टेडियम में इलेक्शन हुए वो इलेक्शन इन्होंने जीत लिए हैं और इलेक्शन जीतने के बाद आधव अर्जुना प्रेसिडेंट बन गए हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के. इन्होंने डिफीट किसे किया है? तो इन्होंने जो अभी प्रेसिडेंट थे के गोविंद राज, उन्हें इन्होंने डिफीट किया है. इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, कुलविंदर सिंह गिल, जो कि मध्य प्रदेश के फॉर्मर प्लेयर रहे हैं बास्केटबॉल के, इन्हें सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है. तो सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं? कुलविंदर सिंह गिल बन गए हैं BFI मतलब बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जो कि गवर्निंग बॉडी है बास्केटबॉल की भारत में. 1950 में इस बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था. नेक्स्ट है गूगल टू अपॉइंट फॉर्मर एप्पल एग्जीक्यूटिव एज इंडिया पॉलिसी हेड. यहाँ पर देखिएगा, एक व्यक्ति के बारे में मैं बता रही हूँ, उनका नाम है श्रीनिवासा रेड्डी. श्रीनिवासा रेड्डी
जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड पॉलिसी मेकर हैं करेंटली सीनियर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव माइक्रोसॉफ्ट में. इसके पहले इन्होंने एप्पल इंडिया रेगुलेटरी टीम के साथ काम किया है, एज अ हेड काम किया है. अब गूगल ने इन्हें अपॉइंट किया है. तो टेक जायंट गूगल इज रिपोर्टली सेट अपॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एंड पॉलिसी वेटरनर श्रीनिवासन रेड्डी एज इट्स टॉप गवर्नमेंट अफेयर्स एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. तो गूगल अपॉइंट कर रहा है किसे? श्रीनिवासन रेड्डी को. अगली पर्सन है वी नीरजा प्रभाकर. ये वीर नीरजा प्रभाकर हैं. ये तेलंगाना हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं और इन्हें एक कमेटी का हेड बनाया गया है और उस कमेटी का नाम है ऑयल पाम आरएसी कमेटी. और हेड किसके द्वारा बनाया गया है? तो आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इस कमेटी का चेयरमैन या हेड बनाया गया है. आइए हम पूरी बात करते हैं. सो बीसी ऑफ तेलंगाना हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बी नीरजा प्रभाकर इज द न्यू ऑयल पाम आरएसी चेयरमैन. तो तेलंगाना हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जिनका नाम है बी नीरजा प्रभाकर, इन्हें हेड बनाया गया है ऑयल पाम रिसर्च पैनल का. ऑयल पाम रिसर्च पैनल रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर. एक 10 मेंबर की कमेटी है. बेसिकली ये लोग क्या काम करेंगे? तो ये लोग काम करेंगे अलग अलग पॉलिसीज़ बनाने का, गाइडलाइंस बनाने का, किस तरीके से अगर भारत में पाम ऑयल की शॉर्टेज है तो हमें किस तरीके से काम करना है, कल्टिवेशन पे ध्यान देना है, कौन से चैलेंजेस हैं और फार्मर्स को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उन सारे के ऊपर पूरी गाइडलाइंस बनाने का काम ये मेंबर की कमेटी करेगी. अब बात करते हैं ICAR मतलब आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. 1929 में इसका फॉर्मेशन न्यू दिल्ली में हुआ था और हिमांशु पाठक अभी डायरेक्टर जनरल हैं. नेक्स्ट बात करते हैं 6th Youth Women's नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप. तो 6वें नंबर की यूथ वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी और भोपाल एमपी की कैपिटल है. भोपाल एमपी की कैपिटल है, वहाँ पर 6th Youth Women नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी और ये चैंपियनशिप किसने जीती है? हरियाणा ने जीती है. चैंपियनशिप जीती है हरियाणा ने. हरियाणा ने टोटल 13 मेडल जीते हैं जिनमें से 5 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 4 आपको ब्रॉन्ज मेडल देखने को मिलेंगे. सो हरियाणा हैज़ वॉन द 6th Youth Women's नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन भोपाल मध्य प्रदेश. हरियाणा फिनिश्ड विद द टोटल ऑफ 13 मेडल्स इंक्लूडिंग द 5 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर एंड द 4 ब्रॉन्ज मेडल. फर्स्ट नंबर पे हरियाणा की टीम है, सेकेंड नंबर पे उत्तराखंड एंड थर्ड नंबर पे है दिल्ली. अब ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये हरियाणा की एक बॉक्सर है 57 kg कैटेगरी में जिनका नाम है प्रिया. लिखा हुआ है बेस्ट बॉक्सर प्रिया. तो हरियाणा की बॉक्सर है प्रिया 57 kg कैटेगरी में और इन्हें बेस्ट बॉक्सर का टाइटल दिया गया है. वहीं मध्य प्रदेश की अंजलि सिंह, इन्हें मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर अवार्ड दिया गया है. एक और अवार्ड हम देखेंगे जो कि कोच को दिया गया है, बेस्ट कोच. तो 6th Youth Women's नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेस्ट कोच का टाइटल नवीन कुमार को दिया है और नवीन कुमार जो है वो भी हरियाणा से है. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं छोटे से प्रोजेक्ट के बारे में. प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन अभी इसका कह सकते हैं कि बजट दिया गया, पैसे दिए गए और फाउंडेशन स्टोन रखा गया. हम बात करने वाले हैं EKAMRA इकमरा प्रोजेक्ट के बारे में. तो विच स्टेट और यूटी इज एसोसिएट विद इकमरा परियोजना? इकमरा प्रोजेक्ट के साथ कौन सा राज्य यूटी एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा. ओडिशा राज्य एसोसिएटेड है. बेसिकली इस प्रोजेक्ट को 2019 में अंडर द इकमरा क्षेत्र, इकमरा क्षेत्र बेसिकली जो भुवनेश्वर है ना उसका एंशियंट नेम हुआ करता था, तो 2019 में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था. ठीक है, इसके अंदर क्या काम करना था? जो भी एमिनिटीज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं उड़ीसा राज्य में उनको रिवाइव करना है, उनके लिए प्रॉपर आर्किटेक्ट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है क्योंकि बहुत पुराने टेंपल्स हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं जो कि उनकी नक्काशी में कमी आ रही है या वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उनको वापस से मेंटेन करना है, उनको रिवाइव करना है. इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. नवीन पटनायक गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू डेवलप अराउंड 80 acres सराउंडिंग द एंशियंट श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा, जिसके लिए 280 करोड़ रुपीज़ इस EKAMRA प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं. इस प्रोजेक्ट में बेसिकली रीडेवलपमेंट किया जाएगा लिंगराज टेंपल का जो कि 11th सेंचुरी में तैयार किया गया है.
यहाँ पे उड़ीसा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन जो है इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेगा और यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को रिवाइव करेगा, रीडेवलपमेंट करेगा, कई सारी यू नो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, जैसे कि पार्किंग फैसिलिटी है और रहने की सुविधा है, प्रॉपर पार्किंग के साथ साथ प्रॉपर रोड होनी चाहिए, जो भक्त आते हैं दर्शन करने उनको प्रॉपर फैसिलिटी हो। इस तरीके से पूरा रीडेवलपमेंट का काम इस पूरे प्रमाइसिस में किया जाएगा। लिंगराज टेम्पल 11th century का है। ओके, एक और यहाँ पे स्कीम उड़ीसा राज्य ने शुरू की है, उसका नाम है मो जंगल जामी योजना। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा गवर्नमेंट की योजना है और इस स्कीम का मकसद क्या है, जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, आपको पता है ना बहुत सारे लोग आज भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनका पूरा जीवन ही फॉरेस्ट से, लकड़ी कलेक्ट करने से, शहद कलेक्ट करने से ही चलता है और वो जंगलों के बीच में ही रहते हैं। बहुत सारे ट्राइब देखेंगे आप आज भी जंगलों के बीच में ही रहती है। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट मतलब जो ट्राइबल्स हैं और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की है और उड़ीसा विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट इन एडिशन टू इंडिविजुअल राइट ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उड़ीसा राज्य पहला ऐसा राज्य बन रहा है जो कि जो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं और फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स और उनके इंडिविजुअल राइट्स, मतलब फॉरेस्ट राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स दोनों को समझ रहा है और दोनों के ऊपर काम कर रहा है। इसमें मकसद क्या है कि ये जो ट्राइबल्स हैं ना या फूड ड्रेवलर्स हैं या फिर फॉरेस्ट ड्रेवलर्स हैं जो कि जंगलों में जाते हैं, लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं या फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं, शहद कलेक्ट करते हैं और मार्केट में फिर बेचते हैं, उनके लिए बेसिकली फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और इनको एक ज़मीन का टुकड़ा भी देना है, लैंड प्रोवाइड भी करना है जिससे वहाँ पर वो फार्मिंग कर सकें, जिससे वो वहाँ पर खेती बाड़ी कर सकें और प्रॉपरली तरीके से बेनिफिशियल तरीके से फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। अगर मैं उड़ीसा राज्य में बात करूं तो टोटल पॉपुलेशन का 22.85% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन उड़ीसा राज्य में रहती है। इंडिया फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च इन चेन्नई। चलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम इसको देखते हैं। चेन्नई में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत हुई है, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, बेसिकली जब मेले लगते हैं, बहुत ज़्यादा मास गैदरिंग होती है, कोई कथा हो रही है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो होता है ना मास गैदरिंग होती है। इसके अलावा रियल टाइम में हमको व्हीकल्स की चेकिंग इन करनी है, प्रॉपर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, इसके अलावा सस्पेक्ट्स को स्पॉट करना है, क्राइम को रोकना है, तो क्यों ना ड्रोन पुलिस हो और ऊपर से ही निगरानी रखे, पूरे क्राउड को रेगुलेट करे, रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड की जा सके। तो इसलिए यहाँ पे ड्रोन पुलिस की शुरुआत की गई है। तो पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है चेन्नई में। दिस विल पर्टिकुलरली बी हेल्पफुल इन द केस ऑफ लार्ज गैदरिंग, रियल टाइम चेकिंग ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा एंड स्पॉटिंग ऑफ सस्पेक्ट्स। बेसिकली यहाँ पे जो पुलिस यूनिट है इसमें टोटल 9 ड्रोन है, 3 अलग अलग कैटेगरी में। तो कितने ड्रोन की यूनिट है ये? 9 ड्रोन की यूनिट है और ये जो 9 ड्रोन है वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में है। पहला है क्विक रिस्पॉन्स सर्वेलाइंस ड्रोन जिसमें 6 ड्रोन्स हैं, फिर है हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन जिसमें 1 ड्रोन है। इस ड्रोन का उपयोग बेसिकली जैसे कि अब चेन्नई है, बहुत बड़ा वहाँ पर बीच है ना, मरीना बीच वगैरह बहुत बड़े बड़े वहाँ पे बीचेस हैं, तो बीचेस में क्या होता है कई बार यू नो वेव्स आए हो रही हैं या लोग घूम रहे हैं या वो वेव्स में फंस गए हैं, बह रहे हैं, डूब रहे हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए हैवी लिफ्ट ड्रोन का यूज़ किया जाएगा। और 2 ड्रोन जो होंगे वो लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेस होंगे। ये जो सारे ड्रोन होंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी वाले होंगे, मतलब AI टेक्नोलॉजी इसमें आपको देखने को मिलेगी और ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस तक इनको ऑपरेट किया जा सकता है। ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर तक इन ड्रोन्स को ऑपरेट किया जा सकता है। एक्यूरेट डेटा आपको देंगे, क्राउड को मैनेज करने में मदद करेंगे, पुलिस को करेक्टली यहाँ पे क्राउड कंट्रोल स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेंगे, रियल टाइम चेकिंग करने में, व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन डेटाबेस को फाइंड करने में, सस्पेक्ट्स को स्पॉट करने में, स्टोलन व्हीकल्स को स्पॉट करने में ये ड्रोन काफ़ी मददगार होंगे। तो पहली पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया है चेन्नई ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ समय पहले कहा था, कुछ समय मतलब अराउंड 1 ईयर पहले ये बात कही थी कि हमारे देश में कई सारे सैनिक स्कूल बनने चाहिए। कितने? 100।
100 नए हमारी कंट्री में सैनिक स्कूल बनने चाहिए। अभी तक जो सैनिक स्कूल होते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, सरकार उनको बनाती है, सरकार उनको चलाती है, राइट। लेकिन यहाँ पे कहा गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कि हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में 100 नए सैनिक स्कूल हों, लेकिन जो सैनिक स्कूल हों वो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें हो, ठीक है। तो इसी तरीके का पहला सैनिक स्कूल यहाँ पे उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है बाय अमित शाह लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल। तो पहला यहाँ पर जो PPP से पार्टनरशिप से चलने वाला पहला जो सैनिक स्कूल है उसका फाउंडेशन स्टोन अमित शाह जी के द्वारा रखा गया है, कहाँ पर? महसाना गुजरात में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और इसके लिए 75 करोड़ रुपीज़ कोऑपरेटिव दूध सागर डेयरी के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एक स्कीम के बारे में। आप सभी लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लोगों को इसका फायदा उठाते हुए देखा होगा। बिल्कुल, एक काफ़ी अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम। इस स्कीम को फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से फंडेड स्कीम है। और इस स्कीम में जो हेल्थ केयर के लिए 5 लाख रुपीज़ तक का यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है, मतलब 5 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे रजिस्टर हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। याद रखेंगे अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है। इसमें कितना रुपए दिया जाता है? 5 लाख रुपए। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट तो गुजरात गवर्नमेंट है, उसने बोला नहीं, हम इस पैसे को डबल करेंगे और हमारे राज्य में जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम से जुड़े हुए हैं उनको 5 लाख नहीं, हम 10 लाख रुपये देंगे। मैटर ख़त्म, इतनी सी बात थी। तो गुजरात गवर्नमेंट डबल्स इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम। तो गवर्नमेंट गुजरात ने यहाँ पे डबल कर दिया है इंश्योरेंस कवरेज अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 5 लाख रुपए से बढ़ाकर ये 10 लाख रुपए कर दिया गया है और ये इफेक्ट में आ जाएगा 11th of July से। ये बात स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल जी के द्वारा बताई गई है, जिसके बाद 1.78 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर को इससे फ़ायदा मिलेगा। ये लोग 795 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और 2000 से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल फैसिलिटी या ट्रीटमेंट ले सकते हैं अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम, ओके। अब यहाँ पे अंक टाट की एक रिपोर्ट है, वो हम देख लेते हैं। वाटर लेवल इन 75 रिजर्वायर इन इंडिया लेस देन 40% ऑफ देयर कैपेसिटी, CWC का डेटा है, अंक टाट की रिपोर्ट आएंगे। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उसने कहा है कि यार भारत में जो है कुछ राज्यों में रेनफॉल कम हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, जिसके कारण जो रिजर्वायर है ना वो सूख रहे हैं और इनकी ओरिजिनल कैपेसिटी से 40% यहाँ पे लेस वाटर है। ऐसे 75% से ज़्यादा आपको रिजर्वायर देखने को मिलेंगे। वाटर लेवल इन 75 रिजर्वायर इन इंडिया लेस देन 40% ऑफ देयर कैपेसिटी, ऐसा सेंट्रल वाटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इन्होंने कहा है कि 146 जो मॉनिटर रिजर्वायर हैं उनमें से 110 ऐसे रिजर्वायर हैं जिसमें वाटर लेवल बिलो 40% है उनकी टोटल कैपेसिटी से, ठीक है। इसके अलावा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी अपने डेटा को यहाँ पर, मतलब इनके डेटा को भी इन्होंने यूज़ करते हुए कहा है कि 717 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, 33% ऑफ द 717 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 33%, 717 डिस्ट्रिक्ट का 33% ऐसा है जहां पर आपको डिफिशियंट रेन हुआ है, मतलब रेनफॉल 4 जुलाई तक काफ़ी कम मात्रा में हुई है। और 10% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है, जहां पर डिफिशियंसी देखी गई है रेनफॉल में, मानसून के आने के बाद भी रेनफॉल उतनी अधिक मात्रा में नहीं हो रही है, जिससे वाटर रिजर्व जो है उन पर काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। द डिफिशियंसी इन द वाटर लेवल रेंज फ्रॉम 11% टू 80% इन द स्टेट सच एज बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एटसेट्रा। अब सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। इसके चेयरमैन आपको श्री खुशविंदर बोहरा देखने को मिलेंगे। अब जो सेंट्रल वाटर कमीशन है बेसिकली एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जो कि वाटर रिसोर्स की फील्ड में काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर काम करने वाली बॉडी है सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसका एक हेड होता है जो कि चेयरमैन होता है
और इसका स्टेटस विद द स्टेटस ऑफ एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सागर निधि के बारे में। अब देखिएगा यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे बांग्लादेश के और मॉरिशियस के, उन्होंने रिसेंटली सागर निधि में बैठे और सागर निधि जो एक इंडिया का रिसर्च वेसल है सागर निधि, उसने यहाँ पे ज्वाइंट ओशियन एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट किया। तो सागर निधि टू पार्टिसिपेट इन ज्वाइंट ओशियन एक्सपेडिशन। ओशियन एक्सपेडिशन क्या होता है? तो ओशियन में रिसर्च वर्क करना, कुछ नए रिसोर्सेज का पता लगाना, आपका अगर बोला जाए नए तेल फील्ड का पता लगाना, सिक्योरिटी पे नज़र रखना, अगर आपको कोई नया सिस्टम लॉन्च करना है तो उसकी रिसर्च करना एट्सेट्रा। तो ये पूरा एक ज्वाइंट ओशियन एक्सपेडिशन था जिसमें पार्टिसिपेट किया सागर निधि ने, और जो साइंटिस्ट थे बांग्लादेश के और मॉरिशियस के, उन्होंने हमारा जो सागर निधि है इसका यूज़ किया, इस पर बैठे और पार्टिसिपेट किया ज्वाइंट ओशियन एक्सपेडिशन में। द इवेंट टुक प्लेस अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बिटवीन द नेशन ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। बेसिकली ये जो ये एक्सपेडिशन जो था वो इंडियन ओशियन रीजन के जो नेशंस हैं उनने मिलके किया, और इसको फ्रेमवर्क तैयार किया था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने। अब हमें सागर निधि के बारे में पता होना चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है सागर निधि। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सागर निधि क्या है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किसे कब बनाया गया या किसने बनाया गया एट्सेट्रा। तो सागर निधि जो है इसे 2007 में बिल्ड किया था, और ये बिल्ड किसने किया था, ये बिल्ड किया है इटली ने, ठीक है। ओशियन रिसर्च वेसल है सागर निधि, जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी वेसल है और ऑपरेट किया जाता है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये इंडिया का तीसरे नंबर का रिसर्च वेसल है, इसके पहले इंडिया के पास सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी थे। अब सागर निधि तैयार है, ये एक ऑटोमेटिक डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पावर्ड आपका सागर निधि है। इट इज़ इक्विप्ड टू द लॉन्च सबमरीन कैप्सूल कैपेबल ऑफ टेकिंग साइंटिस्ट टू डेप्थ ऑफ 6 किलोमीटर बिलो द सी। तो ये इतना कैपेबल है कि साइंटिस्ट को 6 किलोमीटर नीचे समुद्र में ले जा सकता है। इसका उपयोग हम मेट्रोलॉजिकल ओशनोग्राफी रिसर्च में करते हैं, और फ्यूचर में सुनामी मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च करने में भी सागर निधि का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मैंने आप लोगों को बजट के बारे में बताया था, अगर आपने बजट का वीडियो नहीं देखा है तो फेव मंथ में आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है बजट पे। तो बजट पे महिला सम्मान सेविंग स्कीम या सर्टिफिकेट के बारे में अनाउंस किया गया था, ठीक है। अभी तक तो पोस्ट ऑफिस ही ऑफर करता है, लेकिन पहला यहाँ पे बैंक बन गया है बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑफर कर रहा है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो बैंक ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट बैंक टू ऑफर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इसके अंतर्गत आप कोई भी फीमेल होती है तो वो अपना अकाउंट खुलवा सकती है। अगर कोई माइनर है, मतलब छोटी गर्ल है, छोटी बच्ची है, तो वो अपने गार्जियंस की हेल्प से यहाँ पे उसके गार्जियंस जो है वो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये स्कीम जो होगी वो 2 साल के लिए होगी। अकाउंट अंडर दिस स्कीम कैन बी ओपन अंटिल द मार्च 31, 2025 तक अकाउंट ओपन किए जा सकेंगे, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा वो 7.5% पर एनम दिया जाएगा। ये है अंगटाट की रिपोर्ट, ठीक है, स्टार्टिंग वहाँ पे बोल दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 रिलीज़ कर दी गई है। आइए इस रिपोर्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब अंगटाट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंगटाट ने रिसेंटली वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 को रिलीज़ किया। इसमें इन्होंने कुछ हमको वैल्यूबल इंसाइट, मतलब कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी अबाउट द FDI, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो विदेशी व्यक्ति अलग अलग कंट्रीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम FDI कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी हमको इस रिपोर्ट में दी, किस तरीके से ट्रेंड है डेवलपिंग कंट्री में FDI आने का, ये पूरी जानकारी इसमें दी गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में FDI जो आया है डेवलपिंग कंट्री में एशिया रीजन में, वो एक कांस्टेंट है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में बिल्कुल नो चेंज आपको देखने को मिलेंगे। FDI इन डेवलपिंग एशियन रिमेन्स फ्लैट एट $662 बिलियन इन 2022, मतलब एशियन कंट्री में फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2022 में कितना FDI आया है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो आंसर हो जाएगा $662 बिलियन FDI आया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ओवरऑल पूरा ग्लोबल लेवल पर देखें, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर देखें, तो भी FDI डिक्लाइन हुआ है with a 12% drop to $1.3 trillion in 2022.
इसमें कहा है कि कुछ ऐसी डेवलपिंग कंट्री है एशिया रीजन में जिसमें सबसे अधिक मात्रा में एफडीआई हमको देखने को मिला, मतलब हायर कंसंट्रेशन हमको जिन कंट्रीज में एफडीआई का देखने को मिला वो है चाइना, सिंगापुर, इंडिया, यूएई, ये सारी कंट्रीज, इसमें 80% इनफ्लो हमको एशिया रीजन में देखने को मिला। इसमें बताया गया कि 10% एफडीआई इंक्रीज हुआ है भारत में, ठीक है, एनुअल बेसिस पे, और वही 5% जो इंक्रीज हुआ है चाइना में हुआ है। ये सारी बात हमको इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से पता चलती है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? आंसर हो जाएगा अंकटाट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2022 में एशिया रीजन का टोटल एफडीआई कितना था? तो 662 बिलियन डॉलर, 662 बिलियन डॉलर था, ठीक है। ऐसे दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। अब बात करते हैं भाषिणी एप्लीकेशन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया ये भाषिणी एप्लीकेशन। क्या है भाषिणी एप्लीकेशन? आप लोग ने कभी सोचा है कि मतलब जैसे कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं किसी कंट्री में विजिट करने गए, या फिर किसी और कंट्री के प्रिंस, क्राउन या फिर डिप्लोमेट्स भारत में विजिट करने आते हैं, सब कंट्री के लोगों की लैंग्वेज अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, नहीं, बहुत सारी कंट्री में लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करते हैं, राइट। तो ऐसे में दो डिप्लोमेट्स आपस में कैसे बात करें, या कोई पॉलिटिशियन भारत में आया है तो वो कैसे बात करे? तो आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई डिप्लोमेट आते हैं या प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो उनके साथ ट्रांसलेटर हमेशा साथ में चलते हैं जो कि उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके उन्हें आंसर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो SCO मेंबर्स हैं, क्योंकि SCO में आपको अब 9 कंट्री हो गई है, 9 कंट्री मेंबर है, सबकी भाषा अलग अलग है, कोई इंग्लिश समझता है, कोई मैंडरिन में बातें करता है, कोई दूसरी उर्दू भाषा में बातें कर रहा है, तो क्यों ना समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक एप्लीकेशन बनाई जाए जिसका नाम है भाषिणी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों से बोला है, लोगों से अपील की है कि भाषिणी एप्लीकेशन को प्रमोट करो, ठीक है। आइए हम देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली पीस्ड फॉर शेयरिंग इंडियाज AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी। इंडिया का AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है भाषिणी with SCO member country to remove language barrier with the international grouping। ये जो भाषिणी application है ये artificial intelligence based एक translation platform है जो अलग अलग Indian language में translate करने का काम करता है। ये voice based access है, मतलब आप बोलकर इस application को utilize कर सकते हो। Android पे और iOS दोनों पे ये application available है। It seeks to enable easy access to the internet and digital services in Indian language, including voice-based access and help the creation of content in Indian language. जिससे जो MSME है, startup है, innovation है, research है, उसमें भी इस translation के लिए भाषिणी application का use future में किया जा सकता है, ठीक है। अभी जो online platform है भाषिणी, इसमें एक और अलग से section बनाया गया है, इसका नाम है भाषादान। भाषादान में कोई भी व्यक्ति individual जो है वो contribute कर सकता है अपना content के जरिए, ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन करने के 4 वे हैं, सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, बोलो इंडिया एंड देखो इंडिया, ठीक है। लास्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। SOCHM ने NMDC को 2 अवार्ड दिए हैं। NMDC ने 2 अवार्ड जीते हैं, एक है मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड और दूसरा है एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड एट द SOCHM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023। आइए हम पूरी जानकारी यहाँ पे लेंगे। NMDC क्या है? NMDC एक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है। NMDC एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करती है। NMDC नवरत्न कंपनी है, हेडक्वार्टर हैदराबाद में मिल जाएगा और मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब CMD मिल जाएंगे सुमित देव। NMDC जो है वो माइनिंग के सेक्टर में काम करती है और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का इंडिया में। तो इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में आयरन ओर NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोड्यूस करता है एंड द 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यहाँ पे 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड SOCHM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 दिए गए हैं कोलकाता में। पहला अवार्ड इनको दिया गया है मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड और दूसरा अवार्ड इनको एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया इनके सिग्निफिकेंस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए माइनिंग सेक्टर में। ओके, तो ये आज के हमारे कुछ करेंट अफेयर्स थे। अंत में बात करेंगे शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ है देवदत्त चंद, इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर
एंड सीईओ बनाया गया है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बन गए हैं? देवदत्त चंद बन गए हैं। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि पहली बार चेस लीग, ग्लोबल चेस लीग हो रही है, फर्स्ट एडिशन ग्लोबल चेस लीग के बारे में बताया था। फाइनली ये कंक्लूड हो चुका है। फाइनल जो मैच खेला गया था वो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स एंड मुंबा मास्टर के बीच में खेला गया था, जिसमें त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स के द्वारा इस चैंपियनशिप को जीत लिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप, जो कि आयरलैंड में हो रही थी। इसमें जूनियर मिक्स्ड टीम कंपाउंड में भारत की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, और इस मिक्स टीम में आपको प्रियांश एंड अवनीत कौर देखने को मिलेंगे। फोर्थ एडिशन स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग शुरू हो गई है बेंगलुरु में। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो जेम्स वेव स्पेस टेलीस्कोप है, इसने पहली बार यहाँ पर CH3 मॉलिक्यूल डिटेक्ट किया है इन द स्पेस। CH3 प्लस मॉलिक्यूल डिटेक्ट किया है स्पेस में पहली बार जेम्स वेव स्पेस टेलीस्कोप के जरिए। 67th नंबर की ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस कोलंबो में हो रही है। अंतिम बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में किसी सेट में आपको मिल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि IIT मद्रास अपना पहला कैंपस भारत के बाहर खोलने जा रही है, तंजानिया जंजीबार में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनाउंस दैट द फर्स्ट IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया विल बी सेट अप इन जंजीबार तंजानिया, एंड MOU फॉर सेटिंग अप अ कैंपस ऑफ IIT मद्रास इन जंजीबार। तो जंजीबार में IIT मद्रास का मतलब किसी IIT का इंडिया के बाहर पहला कैंपस खुलने जा रहा है। कुछ न्यूज़ हम देखते हैं, कुछ MCQs हम देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है ईसरस। ये ईसरस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंदर इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट है ड्रोन पुलिस यूनिट किसने लॉन्च की है? तो चेन्नई ने लॉन्च की है, आज ही हमने देखा है ये बात, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CFO कौन बन गए? तो CFO बन गए हैं कमलेश्वर कोटवंती। विच स्पेस कंपनी हैज लॉन्च द यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप यूक्लिड? यूक्लिड टेलीस्कोप के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि एक्सप्लोर करेगा डार्क यूनिवर्स को, तो इसे SpaceX की मदद से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 इंडिया जीत गई है, इसने किसे डिफीट किया है? तो आंसर हो जाएगा कुवैत को डिफीट किया, जो कि हमारा गेस्ट था। नेक्स्ट है काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट हुआ है? आंसर हो जाएगा गुजरात, इंडिया में है, ऑब्वियस सी बात है गुजरात। नेक्स्ट है विच पेयर वॉन द जूनियर मिक्स टीम कंपाउंड गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप? तो अभी हमने देखा है कौन कौन है, प्रियांश एंड अवनीत कौर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेलेक्टर ऑफ द इंडिया मेन्स क्रिकेट टीम? तो इंडिया मेन्स क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर कौन बन गए हैं? चार ऑप्शन स्क्रीन पे, जो सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट पे दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में कर लेंगे, सो अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।